Hello students, I am Mandeep here again with my another lecture based on the unit physical world and measurement. So students, इससे पहले हम लोग dimensions के बारे में देखे थे और dimensions के व्यवहार पे हम लोगों ने formulas के according कई सारे dimensional formulas हमने derive किए थे. अब जो हमारा जो topic है वो use of dimensional equation है. ठीक है, वो क्या है? Use है, यानी कि वो dimensional equation जो हमने derive किया था उनका use हम कहाँ कहाँ देखते हैं. हमने कुछ आपसे बोला था कुछ ऐसी भी physical quantities है जैसे force और तरह तरह की चीजें जिनका आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें क्या हेल्प करेंगे कि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल उनके बेसिस पे हम सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो हम यूजेस कहाँ कहाँ देखते हैं. मेन हम तीन प्रकार के यूजेस देखते हैं. पहला जो यूज है यूज ऑफ वन यूनिट सिस्टम इन टू अनदर सिस्टम. ठीक है, यानी कि कन्वर्जन में काम आता है. और उसी प्रकार से टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, कि हमारा इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है कि नहीं. और फिर तीसरा क्या है, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. क्लियर, तो पहला जो हम देखेंगे कि यूनिट सिस्टम की बात कर रहा है. तो यूनिट सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने उसको डिस्कस नहीं किया है, पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम उसका देना चाहते हैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे. ठीक है, यूनिट सिस्टम टोटल चार टाइप के होते हैं. पहला जो होता है एमकेएस सिस्टम होता है, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम होता है, फिर होता है एफटीएस सिस्टम होता है, और फिर चौथा होता है एसआई सिस्टम. क्लियर, तो हमने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेनली हम तीन टर्म से या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एल और टी के फॉर्म में. ठीक है, तो एम एल और टी को हमें ध्यान में रखना है. जहां पे m क्या होता है, किसी मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है. ठीक है, फिर यूनिट होता है, और l क्या होता है, किसी भी लेंथ की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, और टाइम क्या होता है, किसी भी टाइम के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है. तो अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करें तो ये तीनों ही टर्म इसमें आते हैं. ठीक है, अगर हम मास की बात करते हैं तो हमारा मास किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए. k स्टैंड फॉर केजी, उसी प्रकार से m किसके लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, यानी दिस स्टैंड फॉर मीटर, मीटर. और उसी प्रकार से S क्या होता है, स्टैंड फॉर टाइम. ठीक है, S स्टैंड फॉर टाइम मीन सेकेंड. ठीक है, उसी प्रकार से CGS सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, CGS सिस्टम में क्या होता है, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं हम, सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर. G किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए यूज करते हैं, होता है ग्राम्स. क्लियर, उसी प्रकार से S किसके लिए होता है, सेकेंड. उसी प्रकार से ये क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड. ठीक है, ये क्या होता है, फुट, ये क्या होता है, पाउंड, और ये क्या होता है, सेकंड. और ये क्या होता है, एक एसआई सिस्टम होता है. जितनी भी सारी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम लोगों ने डिराइव किया. ठीक है, डिराइव किया तो एक काफी लंबी चौड़ी यूनिट है जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं, और उसी को एक सिंगल नोटेशन से हमने डिनोट कर दिया. जैसे फोर्स के लिए हम लोगों ने किया था तो उसमें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, केवल एन से रिप्रेजेंट कर दिया. तो वो जो एक एन है वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है. ठीक है, वो क्या है, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नोटेशन, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, एसआई सिस्टम में. क्लियर, तो ये रहा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग एम एल और टी के फॉर्म में अलग अलग सिस्टम्स के तहत अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहला वाला जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अपने कन्वर्जन को कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी के. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर हम पहले की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम पी से अगर डिनोट करते हैं तो वो क्या होता है, एन डॉट यू. क्लियर, या एन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यू क्या होता है, यूनिट होता है. यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एल और टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम एल और टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. उसी प्रकार से एन क्या होता है, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तब ये टोटल मिलकर के क्या बनाता है, एक फिजिकल क्वांटिटी बनाता है. क्लियर, तो चलो पहले वाले इक्वेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. हम लोग पहले वाले इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू एन अदर. ठीक है, किस प्रकार से हम डायमेंशन इक्वेशंस को यूज करें कि हम एक सिस्टम से, यानी कि अगर एमकेएस सिस्टम से हमें कन्वर्ट होकर के जाना है सीजीएस सिस्टम में, तो किस प्रकार से हम अपने कन्वर्जन को करें.
तो ठीक है, और सपोज सपोज कर लेते हैं कि जो पी है वो जो है एन वन यू वन है, ठीक है, किसी पहले सिस्टम में, ठीक है, फॉर एनी सिस्टम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एमपीएस के लिए मान लेते हैं, फॉर द फर्स्ट सिस्टम, क्लियर, वही पी जो होगा दूसरे सिस्टम में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एन टू यू टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एन अदर सिस्टम, क्लियर स्टूडेंट, सपोज सपोज एम वन एल वन एंड पी वन आर द फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स इन सिस्टम सिस्टम वन, ठीक है, पहले सिस्टम के लिए जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले सिस्टम के लिए M1, L1 और T1 को हम एक फंडामेंटल यूनिट मान ली है, जिनका हम क्या करेंगे पावर्स देंगे, ठीक है, पावर्स देते हैं तभी हम क्या बात है डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनके क्या है फंडामेंटल यूनिट्स, इनके अगर हम पावर्स देंगे तब क्या होगा वो डिराइव फंडामेंटल यूनिट्स होगा, उसी प्रकार से ऑल्सो सपोज, ठीक है, ऑल्सो लेट एम टू एल टू एंड टी टू आर द फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट्स इन सिस्टम सिस्टम सेकेंड, क्लियर, तो चलो अब हम इस फॉर्मूले को एक इक्वेशन बना दे देते हैं, इन दोनों को, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं, इसको इक्वेशन टू दे देते हैं, तो अब अगर इक्वेशन वन को हमें सिस्टम वन के तहत अगर रिप्रेजेंट करना है और हम देते हैं पावर्स देते हैं ताकि हम डिराइव क्वांटिटी को पता कर सके, ये क्या है ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो इसी हमें क्या करना होगा एक डिराइव यूनिट को हमें यहाँ पे यू वन के जगह प्लेस करना होगा, तो हम देख सकते हैं कि डायमेंशन हम मान ले रहे हैं, चलो ए मान ले रहे हैं, ठीक है, एम इस एम वन के कॉरेस्पॉन्डिंग एल वन के कॉरेस्पॉन्डिंग बी मान ले रहे हैं, टी वन के कॉरेस्पॉन्डिंग सी मान ले रहे हैं, क्लियर, तो हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू एम वन एम वन और क्या एम एम वन टू दी पावर ए एल वन टू दी पावर बी एंड टी वन टू दी पावर सी, क्लियर, ये क्या है इक्वेशन नंबर थ्री मान लो इसको, उसी प्रकार से अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें यानी कि सेकंड सिस्टम की बात करें फिजिकल क्वांटिटी पी जो है क्या है सेम है पर उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग सिस्टम के तहत क्या है डिफरेंट है, ठीक है, ये पी बदलेगा नहीं ये इसके इक्वल होगा यानी कि एम वन यू वन हमेशा किसके इक्वल होगा एन टू यू टू के इक्वल होगा, ठीक है, भले सिस्टम में चेंजेस आ जाए, तो ऑल्सो ऑल्सो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन टू भी लिख सकते हो क्या P is equals to M1 और इसमें भी जो हम पावर्स देंगे ना इसमें भी जो सेकंड इक्वेशन के लिए भी जो M, उसके लिए मान लिए है क्या M2 L2 और P2 इस पे भी जो पावर देंगे ना यानी कि जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में देना चाहता हूं जो उसका सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि डायमेंशन किसी भी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करना है यानी कि LHS और RHS को अगर हमें इक्वल दिखाना है तो हमें डायमेंशन जो रखना है यानी कि ए बी और सी की वैल्यू दोनों ही तरफ क्या होनी चाहिए मास के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम होनी चाहिए लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम होनी चाहिए और पी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी सेम होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो ये है एम टू क्या हो जाएगा एम टू टू दी पावर ए एल टू टू दी पावर बी टी टू टू दी पावर सी, तो स्टूडेंट ने क्या हुआ ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, अब हमने बताया था कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये तो सेम ही है तो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन नंबर थ्री और फोर को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं, देयर फोर यहां लिख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, देयर फोर फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन थ्री एंड फोर क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन थ्री एंड फोर से लिख सकते हैं एन वन
एम वन टू द पावर ए एल वन टू द पावर बी टी वन टू द पावर सी इज इक्वल्स टू एम टू एम टू टू द पावर ए एम टू टू द पावर बी एंड टी टू टू द पावर सी। अब अगर हमें एन टू पता करना हो कि ऐसी कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इस यूनिट सिस्टम में जुड़े या मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या मिले, वही फिजिकल क्वांटिटी मिले, तो एन टू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एन टू के लिए लिख सकते हैं कि एन वन और ये क्या हो जाएगा एम वन अपॉन एम टू, ठीक है एम वन अपॉन एम टू और ये क्या हो जाएगा टू दी पावर ए। उसी प्रकार से एल वन अपॉन एल टू टू दी पावर बी और फिर टी वन अपॉन टी टू टू दी पावर सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या मिला, ये एक रिलेशन मिला, ठीक है इसके लिए फॉर एन टू, ठीक है अगर हमें एन वन दिया हुआ है एक फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है फिजिकल क्वांटिटी अगर फोर्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं वन न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है वन न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है यूनिट है, ठीक है। अब हमसे अगर कोई पूछ गया भाई ये तो तुम बता दिए कि एम्पियर सिस्टम है, ठीक है एम्पियर सिस्टम है या एसआई सिस्टम इसको कह लो एसआई सिस्टम है, पर इसी की वैल्यू अगर हमें कन्वर्ट करना हो सीजीएस सिस्टम में, ठीक है इसी की वैल्यू अगर हमें कन्वर्ट करना हो सीजीएस सिस्टम में तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, ठीक है तो वही फोर्स यही फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी फोर्स क्या होगा समथिंग इनटू कुछ आ रहा होगा, ठीक है डाइन, ठीक है डाइन होता है फोर्स, फोर्स का जो यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में क्या होता है डाइन होता है, पर अभी भी हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है, ठीक है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है, हमारा तो फोर्स दे दिया गया था क्वेश्चन में, हमारा फोर्स दे दिया गया था कि वन न्यूटन फोर्स है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता थी, पर अब जब हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, किस सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में, तो अब हमें पता नहीं है कि उसमें कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू हम मल्टीप्लाई करें डाइन के साथ, हमें पता है यूनिट डाइन होती है, ठीक है सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है डाइन होती है, पर हमें पता नहीं है इसमें कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू में मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको हम बेहतर तरीके से एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको हम इस फॉर्मूले के बिहार पे यानी कि एन टू जो यहाँ आ रहा होगा ये क्या है एन वन है, ये क्या एन वन है, ये क्या है एन टू है, यानी कि एन टू जो आ रहा होगा हम इस फॉर्मूले के बिहार पे पता कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं इसी के बिहार पे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इन टू द यूनिट ऑफ अनदर सिस्टम पे, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है We consider a physical quantity force. ठीक है, physical quantity एक force है. Its unit in MKS or SI system is newton. ठीक है, MKS system में या जिसको हम SI system भी कह सकते हैं, उसमें क्या है? Newton दिया हुआ है unit. और फिर CGS system is dyne. ठीक है, CGS system में क्या दिया है? Dyne दिया है. तो अब हमसे बोला है कि एक newton अगर force दे दिया गया है, यानी कि एक physical quantity दे दी गई है, तो how many dynes होगा? यानी कि n2 into dynes आ रहा होगा. ठीक है, तो उस n2 को हमें क्या करना है? पता करना है, एक समथिंग इनटू डाइन आ रहा होगा यहाँ पे, तो इसी को हमें समथिंग को क्या करना है पता करना है, तो हम लोग एक फॉर्मेट देख चुके हैं इससे पहले कन्वर्जन का, उसी के बिहार पे हम लोग इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं, क्लियर सॉल्व। तो हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, वी नो द डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है ब्रैकेट एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, क्लियर। तो अब हम मान लेते हैं कि भाई लेट एम वन एल वन एंड टी वन बी इन किलोग्राम्स ग्राम्स, लेंथ क्या होता है एमके सिस्टम में, एमके सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये कितना होता है किलोग्राम में होता है, लेंथ किसमें होता है मीटर में होता है, और ये किसमें होता है सेकंड में होता है, बी इन किलोग्राम्स या किलोग्राम मीटर एंड एंड सेकंड सेकंड रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली इन किस सिस्टम में
एम के एस सिस्टम, ठीक है, इन एमकेएस सिस्टम। उसी प्रकार से हम लेट कर रहे हैं, लेट लेट एम टू एल टू एंड टी टू भी सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, एल किस में होता है, ग्राम में होता है, एल किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, और टी किस में होता है, सेकेंड में होता है, बी इन ग्राम, ग्राम और एल टू किस में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और टी टू किस में, सेकेंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली इन किस सिस्टम में, इन सी जी एस सिस्टम। क्लियर? तो ये क्या है, फिजिकल यूनिट है जो किसमें है, एमपीएस सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मीटर और सेकेंड, और इसी प्रकार से ये सारी क्या है, फिजिकल यूनिट्स है किसमें है, ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड, किस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो होगा जो फिजिकल क्वांटिटी होगी यानी कि फोर्स, वी टॉक अबाउट फोर्स, एफ जो होगा वो एन वन, एमकेएस सिस्टम में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, एन वन एम वन एम वन एल वन टी टू दी पावर माइनस टू होगा। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो वही एफ जो होगा वो क्या होगा, एन टू एम टू एल टू टी टू दी पावर माइनस टू होगा। क्लियर? तो इसको हम क्या दे देते हैं, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं, इसको इक्वेशन टू दे देते हैं। तो अब हमें इनको क्या करना है, पिछले वाले के बिहाफ पे जो हम लोगों ने डेरिवेशन लिखा था इसको हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, वी हैव टू इक्वेट दीज टू इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या लिख सकते हैं, एन वन एम वन एल वन टी टू दी पावर माइनस टू इज इक्वल टू एन टू एम टू एल टू टी टू दी पावर माइनस टू। अब हमें देखो एन वन दिया हुआ है, एन वन कितना दिया हुआ है, मैंने बताया था यहाँ वन न्यूटन दिया हुआ है, एन टू हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, यू वन भी दिया हुआ है और यू टू भी हमें पता है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में यू टू क्या होता है, तो हमें क्या पता करना है, एन टू पता करना है, एन टू पता करना है इन टर्म्स ऑफ एन वन। तो ये क्या हो जाएगा, एन टू अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन से तो एम टू क्या आ जाएगा, एम वन के नीचे आएगा, उसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा, एल टू एल वन के नीचे आ जाएगा, और फिर सॉरी ये टी वन है ये टी टू है, उसी प्रकार से ये टी वन किसके नीचे आ जाएगा, टी टू के नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो चलो देखते हैं, एम वन अपॉन एम टू एल वन अपॉन एल टू T1 upon T2 to the power क्या है, माइनस टू है दोनों के, हाँ टू दी पावर माइनस टू। अब हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से M1 L1 T1 किसके corresponding है, MKS सिस्टम के corresponding है। ठीक है, MKS सिस्टम के corresponding है, किसके corresponding है, MKS यानी कि मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड्स। उसी प्रकार से ये किसके corresponding है, CGS सिस्टम के corresponding है यानी कि सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। तो अब हमें उसी के यूनिट्स को, ठीक है, दोनों ही सिस्टम में जो रिक्वायर्ड यूनिट्स है उसी को क्या करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, तो M1 में अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये N1, M1 कितना हो जाएगा, kg। ठीक है, यानी कि kg अपॉन M2 कितना हो जाएगा, ग्राम में होता है मास, ये क्या हो जाएगा, g। उसी प्रकार से L1 क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, और ये किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, और फिर ये जो हो जाएगा T1 क्या है, दोनों ही क्या है, सेकंड में। अब हमें क्या करना है, N2 के लिए हमें पता करना है। ठीक है, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट N2 यानी कि ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में है, तो हमें अपने जो एमकेएस सिस्टम है उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि केजी को ग्राम में करना होगा, मीटर को भी सेंटीमीटर में करना होगा, सेकंड तो ऑलरेडी सेकंड में है ही।
ये हो जाएगा एन टू इज इक्वल टू एन वन, के जी कितना हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10^3 सेकेंड्स, और ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक है 1 ग्राम एज इट इज। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 10^2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम है। उसी प्रकार से सेकेंड अपॉन सेकेंड -2, तो भाई सेकेंड से सेकेंड तो देखो ये कैंसिल हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो जी से जी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एन टू इज इक्वल टू 10^5 हो गया। देखो 10^3 इंटू 10^2, तो 10^5 इंटू क्या आया एन वन आया, ठीक है यानी कि ये क्या मिला हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल चुका है और हमें ये पता है, ठीक है तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है ये क्या आ गया रिलेशन आ गया हमारे पास। तो अब अगर हमसे पूछे कि भाई 1 न्यूटन जो फोर्स है वो डाइम अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ठीक है यानी कि 1 न्यूटन फोर्स के बारे में अगर पूछेगा तो वो कितना होगा 10^5 डाइम, 10^5 डाइम, ठीक है। तो हम इसको यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अपना एन वन की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, ठीक है 1 न्यूटन फोर्स के लिए एन1 क्या होगा 1 होगा, और ये फिर डाइम में अगर एन2 के बारे में अगर हमें पता करना है तो हमारा एन2 आ चुका है 10^5 डाइम। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, थैंक यू।